सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा सादगी के प्रतीक देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आज उनकी जयंती पर याद किया गया। जिला प्रशासन करनाल की ओर से महात्मा गांधी चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में उपायुक्त निशांत कुमार यादव, अतिरिक्त उपायुक्त अशोक बंसल व SDM करनाल आयुष सिन्हा के साथ शहर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने गांधी की प्रतिमा तथा लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि गांधी ने अहिंसा के बल पर देश को आजादी दिलवाई। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले इन महान विभूतियों का जीवन सादगी और ईमानदारी की मिसाल बना, जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि गांधी के आदर्शों का अनुसरण करते हुए देश एवं प्रदेश को खुशहाल एवं स्वच्छ बनाने का प्रण ले, यही इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती को मनाना तब ही यथार्थ पूर्ण होगा जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। उन्होंने कहा कि गांधी स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। उनके इस संदेश से अभिप्रेरित होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी गांधी की याद में स्वच्छता के अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस मौके पर नगर निगम की शाखा बागवानी के कार्यकारी अभियंता नरेश कुमार व जय राम निवास भोरिया, समाजसेवी संदीप लाठर व मास्टर रजिंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। माल्यार्पण करके पुष्प चढ़ाए और मैं सबसे आग्रह करूंगा करनाल वासियों से कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उनके जो भी आदर्श हैं आज हम उनको स्मरण करें और उनके रास्तों पर चलें और जो भी उन्होंने राह दिखाई है अहिंसा का मार्ग और सत्याग्रह का मार्ग, उन सबसे साथ चल करके देश को और आगे ले चलें। जो मूर्ति है गांधी चौक पे, वहाँ पे पुष्प विसर्जित किए और माल्यार्पण किया। मैं इस अवसर पर सभी करनाल वासियों से आग्रह करूँगा कि जो महात्मा गांधी जी के बताए हुए आदर्श हैं हम आज उनका स्मरण करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, अहिंसा के मार्ग पर चलें और देश को और आगे ले सर। करनाल में नहीं पूरे देश में आदर्श माने जा रहे हैं आप, तो यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे महापुरुषों की बताई हुई बात है, जिन आदर्शों को लेकर के हमारा स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया था, कहीं ना कहीं हमें उनको स्मरण करने की ज़रूरत है और उन रास्तों पर चलने की ज़रूरत है। आजकल के माहौल में यूथ कई बार भ्रमित हो जाता है इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से, सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भ्रमित जानकारी के फैलाव की वजह से, तो हमें बड़ा संभल करके अहिंसा के मार्ग पे सत्य के मार्ग पे चलने की आवश्यकता। थैंक यू सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।